व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ज्योमेट्री क्वेश्चन पेपर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 लाइक दिस वन। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें, देन गो टू लेआउट टैब। यहाँ से साइज आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ A4। मार्जिन आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ टॉप बॉटम 0.5 इंचेस, लेफ्ट राइट आल्सो 0.5 इंचेस, ठीक है। और फिर इसके बाद मेन हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप टाइप करें, दैट इज़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन XYZ। जो भी आप टाइप करना चाहें यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2020 क्लास 10th, और विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस माइनस की आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं पेपर टाइप करना चाहता हूँ, दैट इज़ ज्योमेट्री। अगेन लाइन टाइप करें, ठीक है, और एंटर की प्रेस करें। फिर इसके बाद इसको अलाइन करें सेंटर, इसको भी अलाइन करें सेंटर, और फ्रॉम द लेआउट टैब एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग ये आप रिमूव करें, ठीक है, और अलाइन करें यहाँ से सेंटर, ठीक है। ये लाइन आप सेलेक्ट करें, इसका फॉन्ट साइज़ आप सेलेक्ट करें 14, और इसको आप बोल्ड भी करें। इसके अलावा यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं टोटल टाइम 2.5 आवर बाय प्रेसिंग टैब की मोर देन वंस, और राइट साइड पे आप टाइप करें मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज़ 40। थ्रू स्पेस की इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं टू द राइट साइड। अगेन इन लाइनों को आप सेलेक्ट करें, एक्स्ट्रा स्पेसिंग आप रिमूव करें फ्रॉम द लेआउट टैब, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं नोट। यहाँ पर मैं नोट टाइप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ड्रॉ डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी। और फिर इसके बाद सेकंड लाइन में टाइप करना चाहता हूँ, दैट इज़ यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एंड मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। फिर इसके बाद इस पर आप बुलेट अप्लाई करें, गो टू होम टैब, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं बुलेट्स। जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन आप टाइप करें, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल का शेप आप इंसर्ट करें, सिंबल आप इंसर्ट करें फ्रॉम द इक्वेशंस। ये सिंबल आप इंसर्ट करें, ठीक है, दिस वन इज़ द ट्राइंगल सिंबल, ठीक है, ABC। और फिर इसके बाद सिंबल में से एंगल वाला सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख लें एंगल B, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसको आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद एंगल C, वही सेम सिंबल आप इंसर्ट करें, और यहाँ पर आप टाइप करें एंगल C, दिस इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, अगेन बाय कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसको आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एंगल ए भी मेंशन कर सकते हैं, अगर वो आप न भी लिखें तो वो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा, और AC साइड ये 16 सेंटीमीटर, और BC साइड ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम शेप क्रिएट करेंगे, किस तरह क्रिएट करें, गो टू शेप, और यहाँ से ट्राइंगल शेप आप ड्रा करें, इसको राइट ट्राइंगल क्रिएट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके लिए इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पर लाता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसके साइड मेंशन करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द इंसर्ट टैब, इसको मैंने ड्रा किया। अब इसमें कंटेंट लिखने हैं, ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी पे मैं चला जाता हूँ, और इसका लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, ये मैं ऑल 0 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ A, फ्रॉम द होम टैब इसका साइज आप सेलेक्ट करें 9 पॉइंट, और इसको आप ले जाएं अपर टॉप कॉर्नर पर, ठीक है। अगेन इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की, और इस पॉइंट के लिए मैंने इसको कॉपी किया,
और इसका बॉर्डर ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो गो टू फॉर्मेट टैब, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन सेलेक्ट करें। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन, और ये भी नो आउटलाइन करें, और इसको आप रीनेम करें फॉर साइड बी या पॉइंट बी, ठीक है। अगेन इसको आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की, और ये साइड आप मेंशन करें पॉइंट सी, ठीक है। इसके अलावा मैं एक सिंबल ड्रा करना चाहता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये सिंबल मैंने ड्रा किया और इसको मैंने इस तरह रीसाइज़ किया, इसको आप रीसाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.15 हाइट और 0.15 विड्थ, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके अलावा फ्रॉम द आउटलाइन कलर, इसका कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसको मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसका डायरेक्शन मैंने चेंज किया, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया। फिर इसके बाद आर्क आप ड्रा करें, ठीक है, और ये एंगल आप मेंशन करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये आर्क ड्रा करता हूँ और इसका शेप आउटलाइन कलर ब्लैक में सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल रोटेट करता हूँ। इसके अलावा इसी साइड से भी इसको आप रोटेट कर सकते हैं, और इस पॉइंट से इसको आप रिसाइज करें। ये मैंने रिसाइज किया तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसको विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की इसको मैंने कॉपी किया, और अगेन इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, अगेन इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको ले आया, ठीक है, अगेन मैं रोटेट करता हूँ, और इन दो पॉइंट से इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ। अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहें या रिड्यूस करना चाहें तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक साइड के लिए लेंथ आप मेंशन करें कि एसी साइड जो है ये कितने सेंटीमीटर है, इसके अलावा ए बी या बी सी, ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने मेंशन किया दिस वन इज़ 16 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका फॉन्ट साइज़ मैं रीसाइज़ करता हूँ, इसको मैं 07 सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये कौन सा एंगल है, एंगल 30 डिग्री। और अगेन इसको मैंने कॉपी किया और इस एंगल को मैं मेंशन करना चाहता हूँ दिस वन इज 60। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इस ऑब्जेक्ट को, ऑल ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें और इसको आप ग्रुप करें फ्रॉम द फॉर्मेट टैब। तो ये मैंने ग्रुप किया, अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ टू द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर एम ब्रैकेट स्टार्ट आर्क पी एम क्यू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड एंगल पी क्यू एस, ये आप फाइंड आउट करें, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू एस आप फाइंड आउट करें। अब मैं शेप क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा बाय होल्डिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट की, ताकि सर्कल कंप्लीट परफेक्ट गोल आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका वेट चेंज करें, और इसके अलावा इसका आउटलाइन कलर चेंज करें, दैट इज़ ब्लैक। और फ्रॉम द शेप मैं इस शेप को ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है, डबल हेडेड एरो, और इसका कलर आउटलाइन कलर वाइट, और इसका वेट जो है ये 1 पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा एक और लाइन मैं ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को एज ए सेंटर कंसिडर करें और इसको आप ड्रा करें ऑन द सर्कल। वही सेम प्रोसीजर, आउटलाइन का कलर ब्लैक, वेट 1 पॉइंट, ये आप सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद हर एक पॉइंट को मेंशन करना है, तो इस पॉइंट को, इस लेबल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ और इसको मैंने पेस्ट किया,
और अब मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और अब हर एक पॉइंट को मैं रीनेम करना चाहता हूँ। दिस वन साइड इज़ क्यों और ये पी, इसके अलावा दिस वन इज़ एम और ये पॉइंट आप एस कंसिडर करें, ठीक है, और दिस वन इज़ आर। अगेन मैं एक सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ, ये मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ, पॉइंट एस एंड पॉइंट आर, ठीक है। तो इसका कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया और इसका हाइट और विड्थ मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज़ 0.04 हाइट, 0.04 विड्थ। और इसको एस के साथ आप ले आए, ठीक है, डबल हेडेड एरो पर आप यहाँ पर ले आए। अगेन इसको आप कॉपी करें और आर पर यहाँ पर आप इसको ले आए, ठीक है। तो आर पॉइंट और एस पॉइंट, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको भी अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करें, गो टू फॉर्मेट टैब और इस ऑप्शन से इसको आप ग्रुप करें, ठीक है। तो इसको अब आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल पी की आर, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ ए बी सी को आप रीनेम करें, यहाँ पर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, दैट इज़ पी की आर। सेगमेंट आर एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल पी की आर, सिंबल आप इंसर्ट करें, दिस वन सिंबल, और यहाँ पर आप मेंशन करें पी की आर कामा, एफ पी एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एस की ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आल्सो पी आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द साइड की ओ आर, ठीक है। तो इसके लिए अगेन मैं ट्राइंगल शेप इंसर्ट करूँगा फ्रॉम द शेप, और अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा बल्कि मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ डिफरेंट एंगल के साथ, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, इस किस्म का ट्राइंगल मैं बनाना चाहता हूँ। इस लेवल को आप कॉपी करें और पेस्ट करें और इसके हर एक साइड को मेंशन करें, दिस वन साइड इज़ पी, और इसको आप कॉपी पेस्ट करें फॉर द अदर साइड, दिस वन साइड इज़ आर। अगेन इसको आप कॉपी करें और पेस्ट करें टू द लेफ्ट साइड पॉइंट और इसको आप मेंशन करें क्यों। अब इस तरह करना है, साइड को मेंशन करना है, तो मैं इस लेवल को कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी, और इसको मैंने यहाँ पर ले आया, ठीक है। इसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ 18 सेंटीमीटर, अब मैं एक लाइन इंसर्ट करना चाहता हूँ जो एंगल आर को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ड्रा करना चाहता हूँ ऑनलाइन पी क्यू, आउटलाइन कलर ब्लैक सेलेक्ट करें और वेट सेलेक्ट करें 1 पॉइंट, फिर इसके बाद इसको मैंने कॉपी किया और इस पॉइंट को मैंने रीनेम किया पॉइंट एस, और इसी तरह साइड को भी मैंने मेंशन किया, एस पी जो पॉइंट है, एस पी जो साइड है ये है 9 सेंटीमीटर और क्यू एस जो साइड है ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैं रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है।
अब जो एंगल बाईसेक्टर है इसके लिए मैं आर्क ड्रा करना चाहता हूँ। गो टू इंसर्ट, देन शेप, सेलेक्ट आर्क, इसको मैं यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ। ये मैंने ड्रा किया और इसको मैंने फ्लिप वर्टिकली, बल्कि फ्लिप हॉरिजेंटली मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है। अब इन दो पॉइंट से इसको मैं रिसाइज करना चाहता हूँ, इसको मैंने रिसाइज किया, तो अब आप रिज़ल्ट आपके सामने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके बाद मैं टाइप करना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इज़ इन द फॉलोइंग फिगर अ टेंजेंट सेगमेंट पी ए टचिंग अ सर्कल इन ए एंड अ सीकेंट पी बी सी आर शोन। इफ ए पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी सी साइड, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं एक शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले ले लिया एक एरो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेप की। इसको स्ट्रेट ड्रा करें और इसका लाइन कलर और लाइन का जो वेट है ये 1 पॉइंट रखें। आप सर्कल ड्रा करें, ठीक है, फ्रॉम द शेप, और इसका शेप फिल कलर ये आप रिमूव करें और आउटलाइन कलर ब्लैक होना चाहिए। इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं, ठीक है, और फिर इसके बाद गो टू इंसर्ट एंड ड्रा अ लाइन, कंसिडर दिस वन पॉइंट इज द सेंटर, और इसको आप ड्रा करें ऑन द सर्कल, और शेप कलर, सॉरी लाइन कलर आप चेंज करें ब्लैक, और इसका वेट होना चाहिए 1 पॉइंट। इसके अलावा इस लेबल को मैं कॉपी करता हूँ और इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को मैं मेंशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन इज पॉइंट पी, इसको आप कंसीडर करें पॉइंट ए, और इस पॉइंट को आप कंसीडर करें पॉइंट बी, और सिमिलरली इस पॉइंट को आप मेंशन करें पॉइंट सी। तो व्यूअर, इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन पेपर फॉर ज्योमेट्री इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।